हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एमजे और आज थर्सडे है फ्रेंड्स। संडे को हमने अपने सारे प्लांट्स को फर्टिलाइज़ किया था, उसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई है संडे अपडेट की। तो आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से मैंने प्लांट को फर्टिलाइज़ किया है, कौन कौन से मैंने फर्टिलाइज़र्स अप्लाई किए हैं। अब 3 दिन के बाद यानी कि अभी थर्सडे के दिन मैं अपने प्लांट्स को एप्सम सॉल्ट प्रोवाइड करूंगा। तो एप्सम सॉल्ट मैं कितनी अमाउंट में प्रोवाइड करूंगा वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले एक दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये एलम है यानी कि फिटकरी है, वो सारे मैंने अपने रोज़ प्लांट के अंदर दबा दी है। ये देखिए, मिट्टी के अंदर हमने थोड़ी दबा देनी है, या तो अगर आप ऊपर रखेंगे तो भी चलेगी क्योंकि धीरे धीरे करके वो मेल्ट होके मिट्टी के अंदर चली जाएगी। एलम का आपको बेनिफिट्स पता होगा अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर है तो। आप मेरी एलम की वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड्स, एलम के ऊपर एक वीडियो बनी हुई है मेरी। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स में जाइए तो वहाँ पे आपको एलम की वीडियो मिल जाएगी। तो एलम फर्टिलाइज़र्स आज मैंने लगभग मेरे प्लांट्स में डाल के भी मुझे आज 45 दिन से ऊपर हो गए हैं। तो हर 45 से 2 महीने के आसपास हमें एलम के छोटे छोटे टुकड़े हमें अपने प्लांट की सॉइल के अंदर दबा देना है ताकि आपके प्लांट की सॉइल एसिडिक हो सके। क्योंकि 2 महीने के अंदर अगर आप रेगुलर फर्टिलाइज़ करते रहेंगे, केमिकल फर्टिलाइज़र्स अगर आप प्लांट की सॉइल के अंदर डालते रहेंगे तो धीरे धीरे करके प्लांट की जो एसिडिक सॉइल की जो एसिडिटी होती है वो धीरे धीरे लो होती जाएगी यानी कि अल्कलाइन बेस पर आती जाएगी। उसकी वजह से हमें प्लांट को ग्रो करने में दिक्कत हो सकती है, प्लांट ठीक तरीके से बाद में वही फर्टिलाइज़र अपने अंदर सक नहीं कर पाता। तो उसकी वजह से हमें प्लांट की सॉइल को थोड़ी एसिडिक बनानी पड़ेगी। तो प्लांट की सॉइल को एसिडिक बनाने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स हमने एलम का यूज़ किया है। एलम मैंने ऑलमोस्ट अपने सारे मेरे रोज़ प्लांट के अंदर डाल दिया है। देखिए, यहाँ पर भी मैंने डाल दिए हैं, यहाँ पर भी देखिए, ये छोटा सा टुकड़ा मैंने डाला है, यहाँ पे भी डाला है। तो मेरे जितने भी मेरे रोज़ प्लांट हैं आज मैंने सभी रोज़ प्लांट के अंदर एलम डाल दिया है। अब मैं दूसरी चीज़ डालने वाला हूँ, वो है एप्सम सॉल्ट। अब एप्सम सॉल्ट भी प्लांट की सॉइल को एसिडिक बनाएगा, उसके अंदर भी थोड़ी एसिडिक लेवल होती है, लेकिन साथ में ये प्लांट के अंदर मैग्नीशियम प्रोवाइड करेगा। मैग्नीशियम हमारे प्लांट के क्लोरोफिल के प्रोसेस को आगे बढ़ाने में या तो बहुत ही अच्छी तरह चलाने में मदद करता है। तो अगर आपके प्लांट के अंदर क्लोरोफिल का प्रोसेस अच्छी तरह चलेगा तो बाद में आपके प्लांट के पत्ते अच्छे ग्रीन निकल के आएंगे, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, न्यू शूट्स डेवलप होगी, साथ में आपका प्लांट फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छा करेगा फ्रेंड्स। अब ये जो एप्सम सॉल्ट है हमें सिर्फ 1-1 चम्मच हमारे प्लांट की सॉइल के अंदर डालना है। तो मंथली हमें सिर्फ 1 स्पून ही डालना है, ज़्यादा हमें अप्लाई नहीं करना है। तो फ्रेंड्स आज हम ये एप्सम सॉल्ट 1-1 चम्मच जितना हम अपने प्लांट की सॉइल के अंदर डाल देंगे। तो प्लांट की सॉइल आज थोड़ी हमारी एसिडिक हो जाएगी क्योंकि हमने एलम फर्टिलाइज़र भी डाला है और साथ में हमने ये एप्सम सॉल्ट भी डाला है। तो एप्सम सॉल्ट की वजह से आपके प्लांट के पत्ते भी बहुत ही ग्रीन होके निकलेंगे। तो अगर आपको एप्सम सॉल्ट का बेनिफिट तो आपको पता ही होगा। तो दूसरे भी बहुत सारे तरीके होते हैं फ्रेंड्स प्लांट की सॉइल को एसिडिक बनाने के, जैसे कि हम विनेगर भी ऐड कर सकते हैं, लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं, लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं फ्रेंड्स ये बहुत ही सेफ़ तरीका है, इससे आपके प्लांट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। विनेगर थोड़ा हार्ड होता है फ्रेंड्स, विनेगर का एप्लीकेशन आप जितना हो सके उतना टालिए, ज़्यादा विनेगर हमें प्लांट के सॉइल के अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे इधर मेरे रोज़ प्लांट के गमले के अंदर मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर अपने मेरे रोज़ प्लांट के अंदर डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स हमने जो ये मैग्नीशियम सल्फेट है यानी कि एप्सम सॉल्ट है उसको हमें सिर्फ 1 चम्मच जितना ही डालना है, हमें ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कोई भी फर्टिलाइज़र उसकी अगर अमाउंट हम ज़्यादा डालेंगे तो बाद में वो दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी पैदा कर लेगा, यानी कि दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी आपके प्लांट्स के अंदर। जैसे कि अगर मैग्नीशियम की मात्रा अगर प्लांट की सॉइल के अंदर ज़्यादा हो गई तो बाद में आपके प्लांट के अंदर फॉस्फरस की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके प्लांट फ्लावरिंग ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो हमें सिर्फ 1 चम्मच डालना है और मंथली 1 बार डालना है, हमें ज़्यादा डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये गमले में डाल देता हूँ। हम एप्सम सॉल्ट का स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं स्प्रे करने से ज़्यादा सॉइल को अच्छा बनाने में मानता हूँ फ्रेंड्स। स्प्रे से डायरेक्टली प्लांट को न्यूट्रिशन मिल सकते हैं, लेकिन अगर प्लांट की सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन रहेंगे तो ओवरऑल पूरे प्लांट के लीव्स को न्यूट्रिशन मिलेंगे और रूट्स भी अच्छे ढंग से डेवलप होंगे। तो प्लांट के लीव्स के साथ साथ हमें प्लांट के रूट्स को भी अच्छा खासा न्यूट्रिशन पहुंचाना है। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैं अपने सारे फर्टिलाइज़र्स जनरली सॉइल के अंदर ही डालता हूं।
स्प्रे करने के ऊपर फ्रेंड्स मैं सिर्फ सी वीट फर्टिलाइज़र अपने प्लांट के लीव्स के ऊपर स्प्रे करता हूँ, बाकी जनरली सभी फर्टिलाइज़र्स मैं अपने प्लांट की सॉइल के अंदर ही डालता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं हमने सारे प्लांट की सॉइल के अंदर अभी एप्सम सॉल्ट डाल दिया है। अब ये जो एप्सम सॉल्ट है वो अपना काम करना स्टार्ट कर लेगा, हमारे प्लांट के पत्ते ग्रीन निकलेंगे, न्यू शूट्स डेवलप होगी, साथ में सॉइल भी एसिडिक बनी रहेगी, फर्टिलाइज़र को अच्छे से अच्छे यूटिलाइज कर पाएंगे हमारे प्लांट्स। तो एप्सम सॉल्ट का मंथली एक बार यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी बन जाता है। तो मैं संडे के संडे नहीं डालता फ्रेंड्स, मैं संडे को जनरली अपने प्लांट को फर्टिलाइज़ करता हूँ और एप्सम सॉल्ट और एरम जैसी चीज़ें मैं कोई भी मंथ में कोई भी एक दिन के अंतर में डाल देता हूँ। तो वाटरिंग फ्रेंड्स हमें आराम से करनी है, प्लांट की सॉइल के अंदर बिल्कुल भी अर्जेंट नहीं करना है, क्योंकि ये जो फर्टिलाइज़र है वो अंदर ही रहना चाहिए। अगर हम जल्दी वाटरिंग करेंगे तो सारी पानी सॉइल के अंदर से बाहर निकल जाएगा और साथ में फर्टिलाइज़र भी निकल जाएंगे, तो आपका फर्टिलाइज़र वेस्ट हो जाएगा। तो आराम से वाटरिंग करनी है। तो फ्रेंड्स ये है मेरी वीडियो ये एप्सम सॉल्ट के ऊपर। अगर आपको अपने रोज़ प्लांट के लीव्स को अच्छा खासा ग्रीन बनाना हो और अपने प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी करनी हो, तो एप्सम सॉल्ट का एप्लीकेशन आप अपनी सॉइल के अंदर करते रहिए, इससे आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन है फ्रेंड्स, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और मैं वेस्ट डीकंपोजर भी मैंने मंगाया है, तो उसके ऊपर भी मेरी आगे एक वीडियो आने वाली है, तो आप मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। तो हम ट्राई करेंगे कि वेस्ट डीकंपोजर किस हिसाब से हमारे प्लांट में यूज़ होता है। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।